टेस्टिंग करना द ब्रीच। वो लैम्बर्गिनियां खड़ी हैं उधर, सही है, उसकी राइड लेनी है तो 1400 दिरहम एक घंटे। फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ। वाओ, रेनबो कलर क्यों? हम तो भाई सारा दिन देखते हैं। और एक और काम की इंफॉर्मेशन दूँ आप लोगों को, हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से आए स्कैमिंग मार्केट, जिधर पहली बार हम आए थे दुबई। तो आज हम यहाँ आए हैं खजूर लेने। बेसिकली डिफरेंट वैरायटीज़ के खजूर होते हैं यहाँ पर। कर लो फिर टेस्ट कर लो। ये हम टेस्ट करेंगे कैसा है। बोला दिया ज़बरदस्त। शकरगंजी ये जो ऊपर कूस है, कौन सा कूसा? कूसा कूसा हाँ। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं कूसा? पहली बार देखा कूसा, वी डोंट नो। बाकी पिछली बार जब हम आए थे इधर तो 2-3 बजे आए थे ना हम इधर, तो उस टाइम इतनी वैरायटी नहीं थी। अभी फुल मेला लगा हुआ है। ये टेस्टिंग के नाम पे फ्री फ्री है। ये अपना तलक तर है बांग्लादेश में। अच्छा, क्या घुमाओ, क्या खा रहे हो? ये फ्री में टेस्ट करवाते हैं। ये उस्ताद टेस्ट करवा रहे हैं और ये बोला है, क्या बात है बोले की। अच्छा, वहाँ पर सोने नहीं है। नौ किलो है, पाँच प्राइस क्या है? 65 का एक डब्बा, वो भी हमारे लिए। एक और काम की बात बता दूँ तो, अभी जैसे मैंने खजूर खाया बहुत गला सूख गया। पानी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, पीछे ये रेस्टोरेंट है उससे पानी अगर आपको पीना हो तो उधर से ले लें। ये मरीना वाक है भाई, सही है यार। खड़ा रो की देख नहीं दिखाना सानू भाई, खड़ा इधर होना मने। पार्किंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, 40 दिरहम 30 दिरहम पर आवर पार्किंग है, सही है। तो इसलिए इधर खड़े नहीं हो सकते। वो लैम्बर्गिनियां खड़ी हैं उधर, सही है, उसकी राइड लेनी है तो 1400 दिरहम एक घंटे का। पेट्रोल खुद डालेंगे, तो बस इधर यही है। साथ में बीच है आगे सामने, ये मरीना वाक है और इसके आगे सामने बीच और लैम्बर्गिनी आपके इधर भी है। ये बाइक के सामने देखें, बहुत ब्यूटीफुल बाइकें इधर खड़ी हैं, देख रहे हैं आप। हाँ, सही है। फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ। वाओ, रेनबो कलर। मरीना वाक, वॉक मतलब वॉक करना है। गाड़ी में नहीं, गाड़ी बाहर खड़ी करोगे तो फिर उधर आप पैदल चल के इधर आते आते तुम्हारी वॉक खत्म हो जाएगी। हाँ, वॉक। सेफोरा, सेफोरा हबीबी, सेफोरा भी मुझे काम था यार, परफ्यूम चेक करना दे रहे गाड़ी में रख सकते। ये नीचे सारे इधर गेमिंग है। हाँ, और कुछ खेल के कुछ बना के खाना खा रहे हैं जैसे फ्री में। हाँ, लाइन बना के। कितना रश है ये देखो इन सबको अभी हार्ट अटैक आने वाला है। हार्ट अटैक भी आके बनाया हुआ। तो हम जाने वाले थे दुबई मॉल, लेकिन पता नहीं क्यों कॉपीराइट लगा होगी, पता नहीं। बस मामा इधर मरीना के और उड़ गया। मामा को ये मामा है तो सलाम है यार आपको। उनके कमर पे दर्द था और उड़ भी नहीं सकता था, और अभी एक घंटा ड्राइविंग कर रहे हैं। थैंक यू।
और हम मरीना आए थे लेकिन पार्किंग नहीं मिली हमें। अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी वो पीछे मरीना डायमंड ट्यूब के पास और जा रहे हैं वॉक पे। कोई अच्छी सी जगह मिली तो उधर पे खाना शाना खा लेंगे और बाकी सब बढ़िया। अभी हम जा रहे हैं शिप्स की तरफ, मरीना वॉकिंग सिटी। पार्किंग यहाँ पर आसानी से नहीं मिलती तो बहुत मेहनत करके ढूंढना पड़ता है। और एक और काम की इन्फॉर्मेशन दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर 12 बजे के बाद पार्किंग फ्री होती है, तो अगर 12 के बाद कोई आता है तो उनके मज़े हैं, फ्री में पार्क करो गाड़ी भाई साहब। और बाकी वॉक करते जा रहे हैं तो शिप्स की तरफ मरीना। ये लीजिए हम पहुँच गए, वाह ब्यूटीफुल प्लेस। ये है शिप्स, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये लाइटिंग का इंतज़ाम इतना अच्छा नहीं है, आई थिंक 12 बजे के बाद लाइटिंग यहाँ पर कम हो जाती है। ये खड़े हैं सारे शिप्स। ये वॉक पाथ बहुत मज़े के बने हैं इन्होंने, आराम से वॉक करते हुए जाओ और बहुत पुरसकून माहौल है। मामा बेचारा कमर पे दर्द है। क्यों हम तो भाई सारा दिन देखते हैं। हाँ आपको तो यही ड्यूटी होती है। हम सारा दिन इधर से आटो उठाते हैं, इधर ही खज्जल हो रहे थे। और दिन के टाइम ये कैसे होता है? दिन के टाइम वेरी गुड, बहुत रश, इधर से बंदा गुजर नहीं सकता। हाँ अभी रश भी नहीं है, अभी से दिख भी नहीं रहा। ये रेड लाइट्स और वो ग्रीन लाइट्स अगर आप लोगों को दिख रही होगी, ब्रिज के नीचे ये इसलिए लगाए होते हैं जो शिप के सिग्नल्स होते हैं। तो जिधर रेड लाइट है मतलब उधर शिप नहीं आ सकते, स्टॉप है, और वहाँ ग्रीन लाइट ओपन है। और अगर आप लोगों को शुगल मेला पसंद है तो फिर तो डे टाइम पे आप लोग आ सकते हैं, डे टाइम पे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर पीस के लिए आना चाहते हैं तो रात 12 बजे के बाद मैंने कहा आपको पार्किंग भी फ्री होती है और बहुत ही चिल माहौल है। पीस ब्रा। अगर शाम के वक्त 6-7 PM को आप लोग आए तो ये एक बड़ी क्रूज भी पीछे खड़ी थी और ये शिप्स भी ओपन होते हैं। आई थिंक कितना लेते हैं ये, 40-80 दिरहम्स लेते हैं पर राइड पर पर्सन। एंड अगर दुबई के और भी ऐसे ब्लॉग्स देखने चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं हाजिर हूँ आप लोगों को सारा टूर गाइड वगैरह सब कुछ दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।